हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हो अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पे सिर्फ नंदुराज के साथ। तो हम लोग क्लास 12 के लिए लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे थे। एक्सरसाइज था आपका 9A और प्रीवियस वीडियो में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट करा दिया है, तो आज क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अब जैसे देख लो, एक कोई फंक्शन दिया है, कह रहा है जब एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो है तो एफ एक्स का मान इतना है, जब एग्जैक्टली एक्स का वैल्यू जीरो है तो एफ एक्स का मान वन है, और जब एक्स का वैल्यू जीरो से ग्रेटर है तो एफ एक्स का वैल्यू एक्स है। यानी यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट क्या दिख रहा है, जीरो। जीरो के पहले इतना है, जीरो के बाद उतना है, जब एक्स का वैल्यू जीरो है तो एफ एक्स का वैल्यू कुछ ए है, यानी ब्रेकिंग पॉइंट जीरो। तो हमको बस चेक करना होगा, तो कहाँ चेक करना होगा, जीरो पे। वैसे इन्होंने बोला हुआ है कि आप प्रूव करके दिखाइए कि ये जो फंक्शन है जीरो पर जो है क्या डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है, ऐसा कुछ प्रूव करना है। तो हमको क्या करना होगा, पहले एफ जीरो निकालना होगा, फिर जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर जीरो पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर देखेंगे तीनों को इक्वेट करेंगे, सेम है तो कंटिन्यूअस, सेम नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो पहले चलते हैं एफ जीरो। एफ जीरो मीन्स जब एक्स का वैल्यू जीरो है, जब एक्स का वैल्यू जीरो है तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है, वन। ये तो बहुत आसान था जी। लेफ्ट हैंड लिमिट इन दिस केस एक्स लेस देन क्या, जीरो। जीरो पे चेक करना है तो जीरो से लेस होगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, और राइट हैंड लिमिट में जीरो से ग्रेटर हो जाएगा, है ना। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स का एल एस लिमिट जीरो पर, ओके। ये आया यहाँ, ये आया। अब एफ एक्स की जगह पर क्या लिखूँ, तो आज तो मेरा यहाँ पर एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा चल रहा है, तो जब एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा है तो एफ एक्स का मान कितना है, तो माइनस एक्स है। अब डायरेक्ट बनाना हो तो यहीं पर रख देना एक्स की जगह पर जीरो, जैसा हमने बोला, अगर लिमिट चेंज करके नहीं बनाना है तो यहाँ एक्स जीरो माइनस हो या जीरो प्लस हो, रखना जीरो ही है, तुमको चाहो तो तुम ऐसे बना लो। अदरवाइज अगर तुमको लिमिट चेंज करना है तो तुम ऐसे कर लेना, पुट करने जा रहे हैं एक्स के जगह पर जीरो माइनस एच, वेयर एच टेंड्स टू जीरो, नया वाला लिमिट चलेगा, बहुत बढ़िया, माइनस एक्स के जगह पर जीरो माइनस एच। अब यहीं पर लिमिट का वैल्यू रख दो, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म तो आ नहीं रहा है। एच के जगह पर जीरो, जीरो माइनस जीरो, जीरो में प्लस माइनस का क्या मीनिंग, क्लियर है। अब तुम देख रहे हो यहीं पर डिफर कर गया है, एफ जीरो है वन, जीरो पर एल एस लिमिट है जीरो, ये वैल्यू यहीं पर डिफर कर गया है, तो डिसकंटिन्यूअस तो यहीं पर प्रूफ हो जाता है जी। फिर भी अगर तुमको मन है राइट हैंड लिमिट निकालना चाहते हो, फिर भी हम बोल रहे हैं कि एग्जाम में आपको राइट हैंड लिमिट निकालने का जरूरत नहीं, ठीक है। फिर भी अगर आप जानना चाहते थे तो क्या करते, राइट हैंड लिमिट इन दिस केस एक्स ग्रेटर देन जीरो, यही होना था, एफ एक्स का आर एस लिमिट जीरो पर, ये टर्म आया यहाँ, ये टर्म आया यहाँ। एफ एक्स के जगह पर क्या रखोगे, एक्स का मान क्या है जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा के लिए तुम्हारा एफ एक्स क्या है, एक्स है, तो यहाँ एक्स रखोगे। डायरेक्ट बनाना है तो यहीं पर जीरो, लिमिट चेंज नहीं करना हो तो, जीरो से छोटा हो या जीरो से बड़ा हो, जब रखने की बात है तो जीरो रख दिए। अदरवाइज अगर लिमिट चेंज करके बनानी है तो पुट करेंगे एक्स के जगह पर जीरो प्लस एच, वेयर एच टेंड्स टू जीरो, नया वाला लिमिट एक्स के जगह पर जीरो प्लस एच, डायरेक्ट लिमिट का मान पुट करो, क्योंकि गड़बड़ तो कर नहीं रहा है, एच के जगह पर जीरो, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गया, लेकिन एक तो डिफर कर गया है इसलिए डिसकंटिन्यूअस होगा। लिखने की बात है जहाँ तक, तो लिखते सिंस एफ जीरो नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ बट राइट हैंड लिमिट ये इक्वल है, ओके, इसलिए एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आगे जो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है
उसमें तुमको कंटिन्यूटी नहीं चेक करना है, बोल रहे कंटिन्यूअस है, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू क्या होगा, कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम तुमको मिलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, एफ एक्स इज इक्वल टू है साइन 2x बाई 5x कब, जब x नॉट इक्वल टू 0, सही है, और एफ एक्स का वैल्यू k है जब x इज इक्वल टू 0 है, ठीक। और ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस है, कह रहे हैं कि ये जो है एट x बराबर 0 एक कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस प्रूव नहीं करना है, कंटिन्यूअस गिवन है, तो कह रहा है कि बताइए कि यहाँ पर k का वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन का जो डिमांड है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस है, आपको कंटिन्यूअस प्रूव नहीं करना है, क्लियर है। तो कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या, 0 पर कंटिन्यूअस है तो पहले एफ 0 निकालते हैं, 0 पर एल एस निकालते हैं, फिर 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और फिर इन तीनों को इक्वेट कर देंगे, और जैसे इक्वेट करेंगे k का वैल्यू मिल जाएगा, समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया। पहले एफ 0, एफ 0 जब x के जगह पर 0 तो एफ एक्स कितना है k, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इन दिस केस x लेस देन 0, 0 पर ये हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसका मतलब है एफ एक्स का एल एच 0 पर, एफ एक्स का एल एच 0 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर इसको ठीक है, एफ एक्स का एल एच 0 पर ये आया टर्म, ये टर्म आया, एफ एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स का वैल्यू 0 से छोटा है तो एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए एफ एक्स है, इसका मतलब है कि जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा था तो भी एफ एक्स यही है, जब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है तो भी एफ एक्स यही है, तो इस एफ एक्स की जगह पर आया ये, क्लियर, पुट करा जाए, अगर लिमिट चेंज नहीं करना है तो यहीं पर पटेटे गुने टेटे लगा देना, यहाँ भी कर सकते थे, समझ में आ रही बात, चेंज कर दो लिमिट, छोड़ दो, अगर लिमिट नहीं चेंज करना था तो बहुत आसान भी हो जाता है कभी कभी, एक्स का जगह पर क्या रखना है 0, 0 इंटू 2 0, लिमिट का मान रखने पर साइन का एंगल 0 हो रहा है, बटे ठीठे गुंडे ठीठे लगना चाहिए, तो जो एंगल है उसको उतारा गया, साइन ठीठे बटे ठीठे इसको कब कर गया बाई 5x, ओके ठीक है, एक्स एक्स कट गया, एक्स का टर्म है तो एक्स ऊपर नीचे कटना चाहिए, मामला हट गया है, मतलब अब इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आने वाला है, साइन थीटा बटे थीटा 1, तो सिर्फ क्या बच गया यहाँ से 2/5 बच गया, लिमिट चेंज करके ही बना सकते हो, अगर लिमिट चेंज करके ही बनाने का मन किसी को हुआ तो पुट करते क्या एक्स के जगह पर 2-0-h, क्या पुट करते 0-h वेयर एस टेंड्स टू 0, एग्जैक्टली यहाँ पर तो क्वेश्चन का डिमांड है कि एक्स का वैल्यू जो है 0 से लेस होना चाहिए, तो हमने पुट कर दिया एक्स के जगह पर 0-h, नया वाला लिमिट, एक्स के जगह पर 0-h रखना है, कहने का मतलब क्या माइनस एच रखना है, तो क्या हो गया साइन माइनस 2h, एक्स के जगह पर माइनस एच रखना है तो क्या हो गया माइनस 5h, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख लें लिमिट एस टेंड्स टू 0, जो एंगल है अब देखो ना एच के जगह पर 0 तो 0 इंटू 2 0, लिमिट का मान रखने पर साइन का एंगल यहाँ भी 0 हो रहा है, तो बटे ठेठे गुने ठेठे लगा दिया जाए, तो करते क्या है कि जो एंगल है वही उतर गया, साइन थीटे बटे थीटे हो गया, साइन थीटे बटे थीटे इसको कर देते हैं इधर से मेकअप बाई माइनस 5h, माइनस भी कट गया एच भी कट गया,
तो ये तो वन हो गया, ये दोनों माइनस बढ़ गया, तो क्या बचा यहाँ से, टू बाई फाइव। तो हम क्या बोल रहे हैं, आप लिमिट चेंज करके बनाना हो तो आप ऐसे बना लो, अगर लिमिट चेंज करने का मन नहीं हो रहा है तो ऐसे बना लेना, पहुँचोगे तो वही। ये हो गया। तो अब राइट हैंड लिमिट अगर यहाँ पर नहीं भी निकाले तो हम लोग का काम हो जाए, क्योंकि कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो स्वाभाविक है कि एफ ज़ीरो और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगे, कंटिन्यूअस है, साफ है कि के का वैल्यू कितना होना चाहिए, टू टू बाई फाइव होना चाहिए। अब तुम्हारा मन है कि नहीं हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो बात कच्ची, लेकिन यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी सीखने का मन है तो चलिए राइट हैंड लिमिट निकाल लिया। बहुत स्पष्ट है यहाँ पर एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा, एफ एक्स का आरएस लिमिट जीरो पर, देखो बस ए एच ई टी इसी प्रकार का रह गया है, जीरो माइनस हो या जीरो प्लस हो, जब रखने की बात है एक्स तो जीरो ही रख दिया, और जब लिमिट चेंज करके बनाना हो तो बस एक्स की जगह पर जीरो प्लस एच, तो प्लस एच पुट करना है तो प्लस एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच, बस बस आ गया वहीं टू बाई फाइव पर आ गया। समझ में आ रही है बात, वही चीज़ रिपीट कर दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट का भी मान टू बाई फाइव है, राइट हैंड लिमिट का भी मान टू बाई फाइव है, लेकिन एफ जीरो कितना है, के है। तो लिखते क्या है कि सिंस गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्व टू जीरो, क्योंकि गिवन है तो जब कंटिन्यूअस है तो बहुत स्पष्ट है जी कि एफ जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। एफ जीरो का वैल्यू कितना आ रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट टू बाई फाइव, राइट हैंड लिमिट टू बाई फाइव। और वैसे भी तुम समझो कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम तो आना ही था, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा होता है, स्वाभाविक यही लेते। राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स का वैल्यू जो है जीरो से बड़ा होनी है, यही लेते। तो स्वाभाविक फंक्शन वही रह जा रहा है, सॉल्व करने पर तो वही आना था। समझ में आ रही बात, ये तो समझा जा सकता था, एक ही फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यही था, राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन वही था, देखिए फंक्शन को सॉल्व करोगे, दो बार सॉल्व करो चाहे चार बार सॉल्व करो, आएगा तो वही। ठीक है, आ चुका, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर कोई एक आध कॉन्स्टेंट टर्म डाल देंगे, कभी के कभी लैम्डा कभी ए कभी बी, और बोल देंगे कि एक्स के इस वैल्यू पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो बताइए कि के का वैल्यू क्या होगा, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, इस प्रकार से होनी है। क्वेश्चन नंबर 18, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन, कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन, ओके। और ए है वैल्यू लैम्डा, कब, जब एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, और ये कह रहा है कि एट एक्स बराबर माइनस वन एक कंटिन्यूअस है, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। तो पहले क्या होगा, पहले एफ माइनस वन निकालो, इसके बाद माइनस वन पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, इसके बाद माइनस वन पर राइट हैंड लिमिट निकालो, और तीनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जो भी लैम्डा का वैल्यू आना होगा आ जाएगा जी। पहले एफ माइनस वन, ठीक, जब एक्स का वैल्यू माइनस वन है तो एफ एक्स कितना है, लैम्डा, क्लियर। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कोई एक निकाल लो तो भी हमारा काम हो जाए। लेफ्ट हैंड लिमिट इन दिस केस एक्स लेस देन माइनस वन, लिमिट समझो इसका क्या मतलब, एफ एक्स का लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन पर, ठीक है। ये प्रश्न आया, स्टेप बाई स्टेप तो बढ़ते चले जाओ, कहीं दिक्कत नहीं। एफ एक्स की जगह पर क्या, तो इसको देखो, एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन तो एफ एक्स इतना है, इसका मतलब क्या है कि जब एक्स का मान माइनस वन से लेस है तो भी एफ एक्स यही है, और वेन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन तो भी एफ एक्स यही है, ठीक है ना, माइनस वन से छोटा है यही होगा।
अब यहाँ से जैसा हमने बोला दो रास्ते हैं, या तो लिमिट चेंज करके बनाइए या तो फिर ऐसे ही बनाइए। अगर बिना लिमिट चेंज करने किए बनाना है तो अभी एक्स के जगह पर माइनस वन रखोगे तो जीरो बटा जीरो आ रहा है, तो जब जीरो बटा जीरो आ रहा है इसका मतलब है कि एक्स प्लस वन का वैल्यू कितना था, जीरो। तो जब इसको फैक्टराइज करोगे तो एक्स प्लस वन ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है। और नहीं तो लिमिट चेंज करके भी बना सकते हैं, पुट कर दिया यहाँ पर एक्स के जगह पर कितना माइनस वन माइनस एच, एक्स टेंड्स टू माइनस वन है तो लेफ्ट में क्या होता है माइनस एच, वेयर एच टेंड्स टू जीरो। आ जाओ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, नया वाला लिमिट जहाँ जहाँ एक्स है, एक दो तीन, तीन जगह माइनस वन माइनस एच, ठीक। देखते चलो एक्स के जगह पर यह आया माइनस थ्री अपॉन एक्स के जगह पर माइनस वन माइनस एच प्लस वन, ठीक है। ये कट जाएगा, अलग चीज़ है, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ दिया जाए, ठीक है। चलो क्या हो गया, वन प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच प्लस टू एच हो जाएगा, ठीक है। माइनस टू दोनों पर जाएगा तो ये हो गया टू प्लस टू एच, ठीक है, टू प्लस टू एच। और ये माइनस थ्री बना हुआ है, नीचे से क्या आया ये देखो, नीचे से सिर्फ क्या बचा, क्योंकि वन तो कट गया आपका, माइनस एच बचा, टू प्लस वन थ्री और माइनस थ्री कट गया, एच स्क्वायर टू एच प्लस टू एच फोर एच। ऊपर नीचे एच का टर्म कटने का इंतजार हो रहा है, क्योंकि अभी पुट करोगे तो जीरो बटा जीरो आ रहा है, तो ऊपर से एच कॉमन आ गया, बड़ा स्पष्ट है कट गया जी, मामला तो हट गया, मतलब अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आने वाला है। तो अब एच के जगह पर जीरो रख दो, इसको लिखना बंद करो, तो जीरो प्लस फोर फोर और नीचे से एक माइनस रह गया तो क्या हो गया माइनस फोर। अब जैसा कह रहे हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस गिवन है, तो अगर कंटिन्यूअस है तो बहुत स्पष्ट है कि एफ माइनस वन और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगे, तो स्पष्ट है कि लैम्डा बराबर क्या होगा माइनस फोर। राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही क्लियर हो गया कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा माइनस फोर। फिर भी अगर तुम जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो चेंज क्या करेंगे, एक्स यहाँ राइट हैंड लिमिट में, एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, एफ एक्स का राइट हैंड लिमिट माइनस वन पर है, यही चेंज होगा अगर तुम समझ रहे हो, तो फिर पुट करेंगे माइनस वन प्लस एच, ठीक है, माइनस वन प्लस एच, ये यही चेंज होगा। इसको तोड़ोगे तो आपकी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू माइनस टू एच, ये हो गया कटा, जिसे सिर्फ एच प्लस में हो गया, हम इसी में चेंज कर दे रहे हैं, वन प्लस टू थ्री माइनस थ्री फिर कट गया, और ये हो गया एच स्क्वायर माइनस फोर एच, ये तो मेरा प्लस में आ रहा है, एच कॉमन लिए, ठीक है, चेंज देख लो यही होगा, फिर जीरो माइनस फोर आ गया, वो तो आना था ना। एक्स लेस देन माइनस वन के लिए भी यही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी यूज हो गया, राइट हैंड लिमिट में एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, उसके लिए एफ एक्स वही रह गया, फंक्शन वही रह गया, सॉल्व हो गया, तो सेम तो आना ही था। सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, इतना लिखने के बाद क्या करते हो, इतना लिखने के बाद तो क्या लिखेंगे, इसलिए एफ माइनस वन मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एफ माइनस वन कितना आया लैम्डा, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया माइनस फोर, राइट हैंड लिमिट भी माइनस फोर, एकदम कन्फर्म है कि सेम आएगा सॉल्व करने पर। और जैसा हम कह रहे हैं कि आपको एग्जाम में इसमें से कोई एक सॉल्व कर लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट चाहे राइट हैंड लिमिट कोई एक निकाल लेना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में हमें टाइम की बचत करनी होती है, ठीक है। इसलिए स्पष्ट है
कि लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस फोर, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन देखूं, 19 हम बनाएंगे, 20 तुम बनाओगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। एफ एक्स इज इक्वल टू है, ये जो हमारा फंक्शन इस प्रकार से कुछ डिफाइन है, ये है 2x+1, कब, जब x<2 है, और ये है k, कब, जब x=2 है, और यह 3x-1, कब, जब x>2 है। तो कह रहा है कि k के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन 2 पर कंटिन्यूस है, x2 पर कंटिन्यूस, ठीक है, k का वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे कि हमारा फंक्शन x2 पर कंटिन्यूस हो सके। पहले क्या निकाला जाए, f2, बहुत बढ़िया, f2 कितना होगा, जब x का वैल्यू 2 हो, जब x का वैल्यू 2 हो तो f(x) कितना है, k, एक हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, इन दिस केस x<2 क्या, तो 2 पर काम हो रहा है ना, तो 2 से लेस लेफ्ट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट में 2 से ग्रेटर होनी है, ठीक है, कि क्या हो गया, लिमिट x→2 fx का lh 2 पर, क्लियर, एक पोर्शन को यहाँ लाया गया, बहुत बढ़िया। fx के जगह पर क्या लिखूँ, यहाँ तो x का मान 2 से लेस है, जब x का मान 2 से लेस है तो fx तो ही है, फिर से fx के जगह पर होना चाहिए 2x+1, पुट करा, अगर बिना लिमिट चेंज किए बनाना है तो x की जगह पर क्या रखेंगे, 2, 2 टू जब 4, 4+1 5, आसान हो जाता है जी, ऐसे भी कर सकते थे, भले यहाँ पर x की जगह पर 2 से लेस रखना था, लेकिन जब रखने की बात हुई तो हमने 2 ही रखा, 2 + 4+1 = 5, या तो ऐसे बना लो, स्पष्ट है k का वैल्यू कितना आ रहा है, 5, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, इसलिए f2 और 2 पर lh, f2 और 2 पर lh इक्वल होना चाहिए, ये तो यहीं से क्लियर हो जाता है k का वैल्यू 5 होगा। हाँ, अगर लिमिट चेंज करके बनाना है तो पुट करेंगे x के जगह पर 2-h, पहुँचते तो वही है वेयर h→0, नया वाला लिमिट चलता है 2x के जगह पर 2-h+1, अब पुट करते हैं लिमिट, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट पुट करने पे यहाँ गड़बड़ नहीं हो रहा, मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आ रहा, जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आने लगता है तब बचने का उपाय देखते हैं हम लोग, क्लियर। एच के जगह पर क्या रखना है, 0, 2-0, 2, 2 + 4+1, कितना हो गया, 5, समझो, 2-0, 2, 2 + 4, 4+1, 5, देखो वही आना। अब रही बात, अब तो बोल रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट निकालने का कोई मतलब है नहीं, फिर भी अगर निकालना चाहें तो, जानना चाहें तो, RH लिमिट, इन दिस केस x > 2, लिमिट 2+ है, fx का राइट हैंड लिमिट 2 पर, ठीक, या आया, जब x का वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो fx कितना है, 3x-1, अगर बिना लिमिट चेंज किए बनाना है तो x के जगह पर यहाँ रख देना है 2, 2 माइनस था तो भी रखा 2, 2 प्लस है तो भी रखना है 2, तो 3 × 2 = 6-1 = 5, अगर लिमिट चेंज किए बनाना तो ऐसे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज अगर लिमिट चेंज करके बनाना है तो पुट करेंगे x के जगह पर क्या, 2+h, वेयर h→0, हर तरीके से आपको समझाएं,
जैसे कि मान लो कभी तुम ये बुक पलटो तो वहाँ ऐसा बना हो, कभी वहाँ ऐसा बना हो, तो आना तो हर तरीके से चाहिए तुमको। नया लिमिट एक्स के जगह पर रखना है 2+h - 1, डायरेक्ट लिमिट पुट करो क्योंकि गड़बड़ नहीं हो रहा। एच के जगह पर 0, 2+0 2, 2 3 6, 6 - 1, 5। क्लियर। अब चूंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, लेफ्ट हैंड लिमिट 5, राइट हैंड लिमिट 5 और 2 पर k, तो लिखना होता है कि सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x बराबर 2, क्या लिखते हैं कि सिंस fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, इसलिए f2 2 पर lh और 2 पर RH, समय कम होगा तो राइट हैंड लिमिट लिख देना सीधे, इक्वल होना ही चाहिए। F2 का वैल्यू कितना आया k, लेफ्ट हैंड लिमिट है कितना आया 5, राइट हैंड लिमिट भाई कंटिन्यूस है तो तीनों तो इक्वल होगा ही, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया 5, इसलिए बहुत स्पष्ट है k बराबर कितना होगा आंसर 5। 20 बनाओगे तुम, क्लियर। और 21, चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का। चलिए फंक्शन कैसे डिफाइन है, के कॉस एक्स, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, कब जब x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। और यह है 3, एफ एक्स का वैल्यू है 3, कब जब x बराबर है पाई बाई 2, ब्रेकिंग पॉइंट है पाई बाई 2। पाई बाई 2 पर कंटिन्यूस हो भी सकता है नहीं भी सकता, लेकिन ये कह रहे हैं कि पाई बाई 2 पर कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, चेक नहीं करना है, टेस्ट नहीं करना है, कंटिन्यूस है, तो k का वैल्यू क्या होगा। तो पहले क्या निकालें, f पाई बाई 2, इसके बाद पाई बाई 2 पर lh, इसके बाद पाई बाई 2 पर rh, और इन तीनों की इक्वेट कर देंगे, k का वैल्यू दे देगा। f पाई बाई 2 जब x का वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर, तो fx कितना है 3। अब इतना तो है कि जब x का मान पाई बाई 2 से लेस है तो fx वही है, जब x का मान पाई बाई 2 से बड़ा है तो fx यही है, तो स्वाभाविक है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आना है, तो कोई एक निकालो तो ही हमारा काम चल जाए। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इन दिस केस x लेस देन क्या होगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 पर काम हो रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में पाई बाई 2 से लेस होनी है जी। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस एफ एक्स का LH लिमिट पाई बाई 2 पर, क्लियर। बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, बन रहा है ना, समझ में आ रही है, बनेगा। दिस एफ एक्स के जगह पर क्या लिखूं, आज तो मेरा एक्स का मान पाई बाई 2 से लेस है जी, तो पाई बाई 2 पर लेस पे तो वैल्यू यही है, तो लिखा हमने के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, ठीक है। पुट करा हमने एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एच, क्या यहाँ बिना पुट किए बना सकते थे क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने आपको बताया है ट्रिगो का केस हो और लिमिट यहाँ इन्फिनिटी छोड़कर कुछ भी हो तो पुट पार्ट करके ही बनेगा, लिमिट चेंज करके ही बनता है। तो अभी जितना अभी इसके पहले जितने प्रॉब्लम थे उसमें हम बिना लिमिट चेंज किए ही बना लेते थे, लेकिन आज यहाँ पर तो आपको लिमिट चेंज करना मजबूरी है जी, तभी जो है आप इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हटा पाओगे, ठीक है। फेयर
एस टेंड्स टू जीरो। समझ में आ रही बात ना? क्या आज हम इसको बिना लिमिट चेंज किए बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि हमने सीखा हुआ पहले 11th क्लास में कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन हो और यहाँ पर लिमिट इन्फिनिट जीरो छोड़कर कुछ भी हो तो हमको पुट पाट करना होता, लिमिट चेंज करना होता, याद करो 11th क्लास जी। ठीक है, तो हमको क्या रखना था, एक्स के जगह पर पाई बाई टू से स्लाइटली लेस रखना था, पाई बाई टू माइनस स्लाइटली लेस, तो हमने रखा एक्स की जगह पर पाई बाई टू माइनस एच। नया वाला लिमिट, ओहो क्या लिख रहे हो, लिमिट एस टेंस टू जीरो, जहाँ जहाँ एक्स है कहाँ कहाँ है, यही तो जगह रख दो, के कॉस एक्स की जगह पर पाई बाई टू माइनस एच पाई माइनस टू एक्स की जगह पर पाई बाई टू माइनस एच, यही दो जगह एक्स था रखती। ठीक, लिमिट एस टेंस टू जीरो। अब के कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो क्या लिख दो, साइन एच, इस दो को अंदर ले जाओ, तो हो गया पाई माइनस टू कैंसिल माइनस पाई, और ये गया तो प्लस टू एच। क्लियर, माइनस टू दोनों पे चला गया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, प्लस पाई माइनस पाई कट रहा है, लिमिट क्या बचा, के साइन एच बाई टू एच, और एच के जगह पर क्या रखना है, जीरो। लिमिट का मान रखेंगे तो साइन का एंगल जीरो हो रहा है, तो लगा दिया जाए बैठे टेटे गुने टेटे, बहुत बढ़िया, समझो समझो समझो, टू ये हो गया जो एंगल उतरा, इसको कर दी मेकअप बाई, ये टू कहाँ से आ रहा है, गलत, टू नीचे है, कट गया, अरे बैठे टेटे गुने टेटे लगा दिए हो, एच खत्म, तो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म खत्म हो गया, ए हो गया वन बाई टू। अब चूंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, के कहाँ गया, सॉरी यार एक के था, एक के साइन थीटे बटे टेटे जो एंगल था उससे उतारा गया, फिर इसको मेकअप करा गया बाई टू एच, एच कट गया। ठीक है, तो क्या आएगा, के बाई टू, सॉरी के बाई टू आया। अब चूंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, एफ पाई बाई टू और पाई बाई टू पर एल एच इक्वल होगा, यानी थ्री इज इक्वल टू के बाई टू, इसलिए के इज इक्वल टू सिक्स आंसर। अब तुमको राइट हैंड लिमिट निकालने का मन है, सीखना है, सीख लो। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना है, के बाई टू, ध्यान रखना। चलिए राइट हैंड लिमिट, इन दिस केस एक्स ग्रेटर देन पाई बाई टू, एफ एक्स का आर एच पाई बाई टू पर, पाई बाई टू से बड़ा के लिए भी एफ एक्स यही रहा, ए यहाँ आया पहले, एफ एक्स के जगह पर यही आया, पुट करेंगे एक्स के जगह पर पाई बाई टू प्लस एच, पाई बाई टू प्लस एच, यही चेंज होगा। अब पहले ए देखना होगा, ऊपर से मिटाएंगे जी, चलो इधर इधर का भी मिटा दे रहे, क्लियर है, एक्स के जगह पर पाई बाई टू प्लस एच, एक्स के जगह पर पाई बाई टू प्लस एच, यही काम हुआ है, बहुत बढ़िया। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, जो लोग पढ़े हैं ट्रिगो 11th क्लास में समझें क्या होगा, 90 है तो चेंज होगा कॉस बन जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ प्लस की माइनस देख लेना है, तो 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, जहाँ साइन और कॉस एक प्लस होता है, तुम चले हो कॉस का वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक, इतना तो पता होगा। लिमिट इज टेंस टू जीरो, के कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन एच, तो माइनस किधर कर दिया, साइन एच
पाई, बहुत बढ़िया, ए माइनस टू गया तो हो गया माइनस पाई माइनस टू एच माइनस टू एच प्लस पाई माइनस पाई कट गया, लिमिट इज टेंड्स टू जीरो, ये हो गया माइनस, अच्छा ये माइनस में कट जाएगा, समझो ये पाई से पाई तो कट गया, ये माइनस पड़ गया तो क्या बचा ऊपर से, समझ रहे हो, तो के साइन एच बाई टू एच, ठीक, एच की जगह पर जीरो, तो लिमिट का मान रखने पर साइन का एंगल जीरो हो रहा है, तो लगा दिया जाए बटे थीटे गुने थीटे, ठीक ना, बहुत बढ़िया, के साइन एच बाई एच कर दिया मेकअप, ये हो गया टू एच साइन थीटे बटे थीटे पर एच से एच कट गया, तो मामला घट गया, अभी डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आने वाला है, तो यहाँ से सॉल्व होकर क्या आया, के बाई टू, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आया था के बाई टू, राइट हैंड लिमिट भी आया के बाई टू, आना भी चाहिए था, बहुत बढ़िया। अब लिखो सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो इसलिए स्पष्ट है कि एफ पाई बाई टू मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सही बात है, एफ पाई बाई टू का मान कितना आया थ्री, लेफ्ट हैंड लिमिट आया के बाई टू, राइट हैंड लिमिट भी आया के बाई टू, अरे तुमको तो के का वैल्यू चाहिए ना, इसको लेकर चलो तो भी ठीक, इसको इसको लेकर चलो तो भी ठीक, तो के बराबर कितना आ रहा है सिक्स, आंसर। तो कभी के का वैल्यू, कभी लेमडा का वैल्यू, कभी ए बी सी डी का वैल्यू, अब समझ में आ रहा है ना, तो आज यहीं पर छोड़ दिया जाए, तो बहुत जल्द मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।